कट आई थिंक सम। वॉइस नहीं आ रही आपको? अब क्लियर है, अब क्लियर है जी। भैया हाँ जी, हाँ जी, बिग बिग अप्लॉड टू यू। ठीक थैंक यू सो मच। किसी का अभी अनम्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट है, आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ जी आ देते। पहले ये बताइए कि आपको फीलिंग कैसी आ रही है, हाउ आर यू आफ्टर पिकअप दैट टू ऑन फर्स्ट रैंक? मैम आज सुबह ही सिंक हुआ है, कल तो सिंक नहीं हो रहा था सब कुछ, बट सही है मैम। मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स काम करके वही वही रीजन रहा है, और तो कुछ नहीं, और तो बस रेगुलर मेहनत की थी, आपने गाइडेंस दिया था, बाकी ब्लेसिंग्स ही है, मैं तो ब्लेसिंग्स ही कहूंगा कि उसकी वजह से आया है। और तो आपका जब कॉल आया था, तो आपका जब कॉल रिंग हुआ, तो मैंने सबसे पहले भगवान का नाम लिया। मैंने कहा आदित्य का ये अपना रिजल्ट बता रहा है, एंड देन सबसे पहले ये नहीं बताया कि सिलेक्शन हो गया, कहानी बता रहा आई वाज इन कोर्ट, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू कॉल यू। मैंने कहा भाई हुआ जी नहीं हुआ, देन ही सेड कि हो गया, फिर लास्ट में कि मेरी फर्स्ट टाइम आई है। मैम, मैं एक्चुअली कल, हाँ पता ही नहीं चला मेरे को भी, बट मेरे को भी बोला था, मेरे को भी यकीन नहीं हुआ, मेरे को मजाक कर रहे होंगे सब ऐसे बैठ के, लेकिन फिर एक्चुअल में देखा तो दो लोग थे मेरे कच्चे और मेरा रैंक भी फर्स्ट था, तो मैं सोचा आप बता देता हूँ मैम को। को भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो I mean, सच में मैंने ना एक आध बार सोचा कि मैं जरा लिस्ट देख तो लूं, सच में आदित्य मैंने खुद भी दो बार डाउनलोड की थी वो लिस्ट तो। बट मैं चेक नहीं किया, मुझे आई आई बिलीव योर न्यू, मुझे पता था कि आपने बोला दैट मींस यू आर फर्स्ट रैंकर। अच्छा मुझे आदित्य, सबसे पहले शुरू करने से पहले ये बताओ, वो जो मोमेंट था ना जब आपने अपना रिजल्ट देखा था, ठीक है, उससे पहले और उसके बाद का जो मोमेंट था ना, प्लीज वो शेयर करो कि वो क्या था। मैम मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज, मतलब कल यस्टरडे को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मेरे माइंड में तो यही था कि दिवाली के बाद शायद आ सकता है रिजल्ट, तो एक पहले तो वो एकदम शॉक था कि रिजल्ट कैसे आ गया, फिर होगा कि होगा होगा नहीं हुआ होगा, बट लकीली जब लिस्ट ओपन की और ऊपर से ही देखा तो फर्स्ट नेम था मेरा, तो फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी चीज होगी, तो फिर मैंने मार्क्स चेक किए अपने, और मार्क्स में भी टोटल जो भी था 172 है मेरे, और पॉइंट समथिंग है, बट फिर मैंने मार्क्स चेक किया और फिर दूसरों के देखा, तो मैं काफी शॉक था, खुश भी था, फिर पेरेंट्स से भी बात करने की कोशिश की, तब पापा बिजी थे तो उनका कॉल नहीं उठ पाया था, मम्मी का उठा था, मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई थी, तो फिर पापा से भी बात हुई, वो भी इमोशनल हो गए थे, बट सही रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, काफी मजा है, एक यूनिक एक्सपीरियंस था, तो मैं प्रे करता हूँ सबको ये मिले एक्सपीरियंस। वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग क्लैप करो प्लीज, ऑनलाइन में ऐसे ही चलेगा, अनम्यूट क्लैप। एवरी स्टूडेंट हैज जॉइंड हियर जस्ट टू नो कि आपने कैसे शुरुआत की, कैसे कैसे आपने अपनी स्टडीज करी और आप यहाँ तक कैसे आए, थोड़ा सा शेयर करो ताकि ये लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं दे ऑल्सो गेट द पाथ कि उन्हें कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, क्या क्या करते हैं ये लोग और जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्लीज गाइड देम। हाँ मैम, सुबह बात हुई थी तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सोचा है, क्योंकि मैं गुजरात के पर्सपेक्टिव से हूँ, मेजोरिटी यहाँ पे राजस्थान पे भी अपियर होने वाले होंगे, तो मैं उस हिसाब से सोच रहा था कि किस क्या ऐसा शेयर करूँ जो रिलेवेंट हो पाए। मेरे हिसाब से हर एक कैंडिडेट को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, वो चाहे सही हो गलत हो, वो तो उसको अल्टीमेटली जब वो रिजल्ट आएंगे या तो उस हिसाब से जब वो अपियर होगा मॉक में, इंटरव्यू अपियर होगा, तब उसको ज्यादा आइडिया आएगा, बट पहली चीज तो यही होनी चाहिए कि आपको हर स्टेप के लिए स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो और इंटरव्यू हो। मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूं तो मेरे को प्रीलिम्स में मेरे को पता था कि मेजोरिटी पार्शन लो से आएगा, उसके अलावा इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, ये सब भी सिलेबस में था, बट मुझे ऐसा था कि मैं लॉ को ही अपना स्ट्रॉन्ग करूंगा, काफी टाइम कम था मेरे पास, बिकॉज मैंने जनवरी में कोचिंग ज्वाइन की थी और फेब्रुवरी 1 को नोटिफिकेशन आ गई थी और मई में प्रीलिम्स का डेट था, तो काफी टाइम कम था, मुझे लगा था कि अगर मैं रिलीजियसली सारी प्रैक्टिसेस करने बैठूंगा तो आई थिंक मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊँ, और सिलेबस मल्टीपल टाइम रिवाइज करना बहुत जरूरी था बिफोर अपियरिंग फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि काफी
मेरे को प्रीलिम्स से ज्यादा डर था, मैं मेंस और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैं राइटिंग में और जब की प्रेजेंटेशन आता है तो उसमें मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था इवेंचुअली कॉलेज के टाइम और कॉलेज के बाद एडवोकेट की प्रैक्टिस में। बट प्रीलिम्स में मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये मिस आउट हो गया तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं करके आए तो इंटरव्यू तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो प्रीलिम्स में मुझे ज्यादा डर था और उसके लिए मैं कहूंगा डायरेक्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट तो हर कोई पढ़ता है बट अब कॉम्पिटिटिव इतना हो गया है सब कुछ कि सिर्फ डायरेक्ट की नॉलेज होना, उसके कीवर्ड्स यूज करना आपको शायद मेंस में काम आ पाए, बट जब आप ऑप्शंस देखो और ऑप्शंस में आपको श्योरिटी चाहिए कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा और मेरा नेगेटिव नहीं जाएगा, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी मल्टीपल एमसीक्यू प्रैक्टिस हो बिफोर अपियरिंग फॉर एक्चुअल प्रीलिम्स। तो मेरी स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स में ये थी कि मैं अपना लॉ स्ट्रॉन्ग करूँ, जो 28 प्लस सब्जेक्ट्स थे गुजरात में इस बार वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि मेरे को ये सिर्फ सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में काम नहीं है, जैसे मेंस में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू और फॉल्स भी पूछते हैं गुजरात में, तो वो पेपर देख के मुझे लगा कि इस बार भी आएगा, पर वो भी आएंगे वो माइनर एरिया से आएंगे। तो मैं जो प्रीलिम्स में प्रिपेयर कर रहा हूँ, एमसीक्यूज पैरेट्स पढ़ रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं मेंस में भी यूजफुल होगा। तो मैं लॉ पे फोकस रख के चला, मैंने ऑनेस्टली ना इंग्लिश इतना किया, ना जीके इतना किया, ना कंप्यूटर इतना किया, गो थ्रू किया, कोशिश की कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, बट मुझे यही था कि मैं लॉ पे ही क्लियर कर जाऊँ प्रीलिम्स, उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी थी। और लकीली 65 क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर में आउट ऑफ 100 लॉ से, और बाकी जनरल क्वेश्चंस थे, और मेरे 65 सही है, मेरे प्रीलिम्स में मार्क्स भी 65 है, उसके अलावा मेरा कुछ नहीं किया है, जीके वीके सब गलत हो गया था मेरा, बट लकीली 65 हो चुके तो वो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। पहला स्ट्रेटेजी यही थी कि लॉ स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि फिर मेंस के लिए वापस टाइम कम रहेगा, सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करना, आप कहते थे कि इंटरव्यू तक भी जाना है तो मेंस भी साथ में रखना पड़ेगा। तो फिर जब मेंस की बारी आई तब राइटिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग था कि लिख सकता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ी है, और केस लॉस भी मैं पढ़ता था तो जजमेंट्स पूरे पढ़ने के मेरी कॉलेज से आदत थी, मैं एक खुद की वेबसाइट भी चलाता था जिसकी वजह से जजमेंट रीडिंग का मेरा काफी शौक भी था और उसमें इंटरेस्ट और स्पीड भी आ चुका था। पैराग्राफ की स्टार्टिंग से आइडेंटिफाई कर लेता था कि ये पैराग्राफ फैक्ट को बिलोंग करता है, प्रोसीजर हिस्ट्री को बिलोंग करता है, या रेशियो है जजमेंट का, और इस हिसाब से आइडिया लगा लेता था कि ये जजमेंट मेरे को आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। तो वो रहा था और मैंने केस लॉस पे काफी फोकस किया, मेरे मेंस में स्कोर अब तक जितना सुनने में आया उतने में हाईएस्ट है, 143 स्कोर किया है मैंने आउट ऑफ 200। तो मेंस आई बिलीव मेरा केस लॉ बेसिस पे काफी अच्छा रहा है। और दूसरी चीज जो मैंने फोकस करी थी वो थी प्रेजेंटेशन। मेरा एक फ्रेंड है मेरा कॉलेज का, वो राजस्थान मेंस के लिए अपियर हुआ था लास्ट टाइम, जो अभी जो रिजल्ट आया उसका, पर उसका मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो मेरी उससे जब बात हो रही थी तब उसने यही कहा कि प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो मेरे दिमाग में वो था कि प्रेजेंटेशन पे फोकस करना, इसलिए जब भी आपकी मॉक टेस्ट होती थी मैं डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल्स चेक करता था कि किसमें मैम ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं मुझे, तो मैं वो प्रेजेंटेशन स्टाइल फिर अपने आंसर्स में अल्टीमेटली मेंस में फॉलो करूंगा। तो मेरा प्रेजेंटेशन में ये रहता था कि कंटेंट मेरे को दिखाना है कि मेरे को आता है, बट इतना नहीं दिखा देना कि वो पढ़ के थक जाए। तो मैं कोशिश करता था कि डायग्राम्स यूज कर पाऊँ, जो भी फ्लो चार्ट्स यूज कर पाऊँ, इलस्ट्रेशन यूज करना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी में तो इलस्ट्रेशन रेडीमेड डायरेक्ट में से मिल जाते हैं, बट मैंने सीआरपीसी में भी इलस्ट्रेशन यूज किया है जो मेरा प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस है वो डिपिक्ट कर पाए आंसर्स में, तो मैंने वो भी किया था, और इस वजह से आई थिंक मेंस में स्कोर अच्छा रहा, केस लॉस, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इन सब का, और प्रेजेंटेशन पे जो फोकस रहा है वो, क्योंकि कंटेंट मोर और लेस जैसे गुजरात में मेंस में अगर हम क्वेश्चंस देखें तो वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, बैरली कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ लिया, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी में भी थेफ्ट और ये सब डिफरेंसेस पूछ लिए, जो कॉमन कॉमन क्वेश्चंस हैं। अब उन कॉमन क्वेश्चंस में से स्टैंड आउट कैसा करना वो आपका प्रेजेंटेशन डिसाइड करेगा, और वो आपने कैसे कितने रिलेवेंट केस लॉ साइट किए वो डिसाइड करेगा। मेरे हर आंसर में एक दो केस लॉस थे, हर आंसर में एक डायग्राम था, अगर कोशिश मेरे प्रिपरेशन टाइम से कोशिश यही थी कि डायग्राम्स बना के याद करूं टॉपिक, जिसकी वजह से एग्जाम में मेरे को सोचना ना पड़े कि इसमें क्या कैसे डायग्राम बनाऊं, क्योंकि वो फिर टाइम चला जाता है, 3 आवर्स होते हैं तो
उसमें टाइम भी सेव करना है, आंसर भी रिलेवेंट लिखना है, तो मेंस इस हिसाब से मैंने प्लान किया। और मेंस में मेरा शॉकिंग ये था कि सबसे पहले मेरा खत्म हो गया, 20 मिनट पहले मेरा मेंस का पेपर दोनों खत्म हो गए। और जैसे ही मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला, सब पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं कि इसका तो खत्म हो गया। तो तब जब खत्म हुआ तब मैं कॉन्फिडेंट था कि नहीं अच्छा लिखा है, मैंने सब लिख के आया हूँ, पेपर लिखे हैं। लेकिन इन सब पेरेंट्स और उनको देख के मेरे को लगा कि गलती तो नहीं कर दी, जल्दी छोड़ के भाग आया मैं बाहर। बट इवेंचुअली मेरे हिसाब से मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है मेंस के मार्क्स देख के, वो ये है कि उनको आपके लेंथ से फर्क नहीं पड़ता, उनको आपके प्रेजेंटेशन से, आपके कंटेंट से और केस लॉ से फर्क पड़ता है। तो राजस्थान में जब भी एक तो मतलब जैसे मैंने जैसा मेरा पेपर एनालिसिस है कि शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो नेसेसरी नहीं है कि आप उसमें इतना सारा लिख के आ जाओ। नेसेसरी ये है कि जो क्वेश्चन के हिसाब से है वो आपने प्रॉपरली डिपिक्ट किया है, उसको सब्सटेंशिएट करते हुए आपके पास एक केस लॉ है या इलस्ट्रेशन है अगर आपको केस लॉ याद नहीं आ रहा है, और डायग्रामेटिकली उसका आप एसेंशियल्स रिप्रेजेंट कर पाओ या तो कोई एसेंशियल फीचर्स रिप्रेजेंट कर पाओ उस कॉन्सेप्ट के, डॉट ट्राइंग्स पूछ ली तो उस कॉन्सेप्ट के आप फीचर्स रिप्रेजेंट कर पाओ, तो वो सही रहता है। तो मेरे को मेंस में आई थिंक ये काफी हेल्पफुल रहा। और मेरे आंसर शीट्स भी मैम आप देखोगे तो एक यूनिक पैटर्न नहीं थी जब मैं आपको आंसर्स दे रहा था, और मैं जानबूझ के ये कर रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि गलतियां कहाँ पे हो रही है। और जैसे आपकी नोट्स आती थी चेकिंग में, उस हिसाब से मैं समझ जाता था कि ये गलती प्रेजेंटेशन की है, इसको अगर मैं सुधार लूंगा तो शायद नेक्स्ट टाइम अच्छा मार्क्स मिल सकता है, और वो मैंने किया था। जो भी आपकी मार्क्स थी उसमें इवेंचुअली मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए थे, स्टार्टिंग में बहुत कम मार्क्स थे मेरे को, 50 के आसपास आए थे, हाफ परसेंटेज भी नहीं था, लेकिन इवेंचुअली आपका गुड आता था, तो मैं समझ रहा हूँ कि अब ट्रैक सही है। और वो मतलब ट्रायल एंड एरर था मेरे लिए भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, और ना ही मैंने आपसे इतना कोचिंग लिया था कि मैं आपको पूरा समझ पाऊँ कि कैसे आंसर्स लिखने हैं। जो भी एक सब्जेक्ट, एक दो सब्जेक्ट्स आपके जो नोट्स थे वो रेफर किए थे कि कैसे आपने नोट्स लिखवाए, ताकि उससे मेरे को आइडिया मिलता था कि आंसर में क्या जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस वहां से आता था। जैसे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक है तो वो तो कॉलेज में भी पढ़ा देते हैं, वो तो काफी हम रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखते हैं तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे लिख देते हैं, बट जुडिशरी के आंसर्स में फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे क्या कंटेंट रहना चाहिए वो आप जब डिक्टेट करते थे तब आंसर्स लिखते थे, उस हिसाब से आइडिया लगाया कि कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो टॉपिक को एक्सप्लेन किया, उसके एसेंशियल फीचर्स लिखे, कोई इलस्ट्रेशन से उसको बेटर क्लैरिटी के लिए एक्सप्लेन किया, कोई केस लॉ है जो उसको वैल्यू एड करता है तो वो वैल्यू एडिशन भी प्रोवाइड की। तो मेंस आंसर राइटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए आपको डायग्राम्स की, और राइटिंग स्पीड भी होनी चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग भी मेरे हिसाब से बहुत मैटर करती है। लकीली मेरी हैंड राइटिंग का बहुत अच्छा रहा है और मैं उसको भी एक खोलूंगा, क्योंकि जब हम प्रीलिम्स, आपकी हैंड राइटिंग तो अच्छी थी जी मैम जी, जब हम प्रीलिम्स के लिए अपियर हुए थे तब गुजराती की टेस्ट हुई थी, लैंग्वेज टेस्ट, और उसमें जो आंसर शीट दी थी उसमें 2 लाइन्स के बीच में बहुत स्पेस थी, तो वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि शायद मेंस में जब हमारी लॉ का पेपर होगा तब भी यही आंसर शीट आएगी और तब भी यही 2 लाइन्स के बीच में स्पेस होगी। तो मैं जब प्रैक्टिस करता था तब ये देखता था कि कैसे इन 2 लाइन्स के बीच की हम स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्पेस कम होती है तो हैंडराइटिंग एक में मिक्स हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि एक लेटर के ऊपर दूसरा लेटर लिख दिया है, पर जब लाइन में स्पेसिंग ज्यादा होती है तब आप बेटर प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने भी उसी हिसाब से प्लान किया था कि अगर यही पेपर आ गया तो मैं डायग्राम्स को इस तरह से प्रेजेंट कर पाऊंगा, तो मेंस में इस तरह से रहा था। और फिर इंटरव्यू में काफी शॉकिंग था मेरे लिए, इंटरव्यू के बाद तो मुझे नहीं लगा था कि हो पाएगा, क्योंकि इंटरव्यू हम जो भी प्रैक्टिस किया था मैंने, जो भी मैंने सोचा था कि ये मेरे से पूछ सकते हैं वो बिल्कुल नहीं पूछा, और जो एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, जैसे मैं कोर्ट में अपियर होता हूँ रेवेन्यू कोर्ट में बिफोर कलेक्टर, तो एक क्वेश्चन था कि मेरे कच्छ में एक गांधीधाम करके तालुका है, उस तालुका की एक स्पेशलिटी है रेवेन्यू कोर्ट्स की, वो पूरे गुजरात में यूनिक, बट मेरे को पता नहीं था, मेरे को पूछ लिया वो क्वेश्चन, मैं उस पर ज्यादा नहीं कर पाया, तो उन्होंने 2-3 बार कोशिश की कि मेरे को थोड़े हिंट दे पाए, 2-3 बार उसी पे घुमाया मेरे को, पर मेरे को क्लिक ही नहीं हुआ, और फिर मैंने आई बेग योर पार्डन कह दिया। उस टाइम पे मेरे को लगा कि ये तो शायद गलत इंप्रेशन पड़ जाएगी कि एक तरफ से कह रहा है कि प्रैक्टिस कर रहा है कच्छ में, और यही एक यूनिक फीचर उनको नहीं पता, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, और दूसरे जो आंसर्स थे उसके आंसर्स की पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा रही, जिसकी वजह से इंटरव्यू में मेरा स्कोर 29 रहा है आउट ऑफ 50, और
वो भी एक मेरे हिसाब से अभी जो फ्रेंड से बात हुई उस हिसाब से तो लग रहा है इंटरव्यू में भी हाईएस्ट है। तो इंटरव्यू का इस हिसाब से था कि अनप्लैंड था पूरा, बट जो भी बेटर रहा वो ये था कि दो तीन बार मॉक जब आपसे दिए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। और इंटरव्यू में लोग डराते भी बहुत, जैसे दो तीन कैंडिडेट्स फ्रेंड्स थे वो भी काफी डराते थे कि इंटरव्यू में लास्ट टाइम हम निकल गए थे, तेरा फर्स्ट टाइम है तो तेरा भी निकल जा सकता है, ये सब प्रिपेयर कर, ये सब प्रिपेयर कर। तो ये सब फ्रेंड्स में जब भी डिस्कशन होता है तो एक डर भी बैठ जाता है। बट मॉक देने से ज्यादातर रिपीट करने से क्वेश्चंस उस प्रोसेस को, उस मेंटल स्टेज में आने से कि आपको इंटरव्यू में सामने बैठे हैं तो कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज रखनी है, उससे काफी फर्क पड़ता है। क्वेश्चंस आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, काफी बार लकी होते हैं तो आ भी जाते हैं, बट आपका जो बॉडी पोस्चर है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मॉक से ही आएगा। और आपसे जो मॉक लिए थे मैंने, काफी काफी मॉक्स हो गए थे हमारे, आई थिंक 3-4 तो रेगुलरली हम रह रहे थे उससे पहले, और आरजेएस का हुआ था तब भी आपसे मॉक किया था मैंने, उससे कॉन्फिडेंस आया था काफी। वो रहा था इंटरव्यू में कि क्या हो गया, इतने डर क्यों रहे हो आप? जी मैम, वो दोस्तों ने डरा दिया था। ऐसा था कि कैंडिडेट्स में रहता है ऐसा, डिस्कशन के टाइम हो जाता है। सही बात। तो ये है आप लोगों को कुछ समझ में आया? मैं चिल्लाती रहती हूँ यहाँ क्लासेस में। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें स्ट्रैटेजी के साथ काम करना रहता है, आप कुछ भी करो यू हैव टू मेक द स्ट्रैटेजी। एंड और हाँ आदित्य, आपने मुझे ज्वाइन कब किया था? मैंने आपको 17th जैन को ज्वाइन किया था, दिस ईयर। जैन को किया था या अक्टूबर में किया था आपने? जनवरी था मैम, आप टीपीए पढ़ा रहे थे, टीपीए खत्म होने आया था और कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया था। अच्छा, लुक एट हिम, अभी उसको पूरा साल भर कंप्लीट नहीं हुआ है एंड ही इज जज विद फर्स्ट रैंक हियर। ठीक है, तो कभी भी, अच्छा एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ आदित्य, मतलब थ्रू आउट प्रोसेस आप जब स्टडीज करते हो, कर रहे थे, ठीक है, तो कई बार हमें फीलिंग भी आती ना मैं कितना करूँ, या हम कभी लो फील करते हैं, कभी डर जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को हैंडल करते थे? मैम इसमें रहता था, हर बार रहता था, मेरा तो ये भी था कि साथ में प्रैक्टिस भी शुरू थी, LLM तक मैंने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में बहुत मिल रही थी, ज्वाइन करने के लिए लोग कह रहे थे, एडवोकेट्स भी कह रहे थे कि हमारी चैम्बर्स ज्वाइन कर लो। तो ये भी डर रहता था कि कहीं मैं एक ऐसे रैट रेस में ना पड़ जाऊं जिसकी वजह से मैं ये अपॉर्चुनिटीज लॉस कर दूं, ये ना हो पाए, इनको मैं मिस कर रहा हूं, कह रहा हूं जुडिशरी का क्लियर होना है, जुडिशरी में ही क्लियर ना हो, वो एक डर कॉन्स्टेंट रहता था। बट एक सोच लिया था कि ये साल जो है उसमें एक्सप्लोर करना है, जो जुडिशरी का अपॉर्चुनिटी मिला है, गुजरात जुडिशरी मेरा होम स्टेट है तो मैं प्रिफर ही यही करता हूँ कि मेरे को होम स्टेट में मिल जाए, सिंगल चाइल्ड हूँ, ज्यादा पेरेंट्स से दूर नहीं जाना चाहता था, गुजरात में ही रहना चाहता था। तो इस वजह से सोचा था कि अगर जुडिशरी का ऑप्शन आया है मेरे पास और गुजरात ने निकाली है इस साल, गुजरात की रेगुलर भी नहीं होती, तो मैं सोचा कि ट्राई करके देखता हूँ, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी और फिर अगर नहीं हुआ तो कर लेंगे, कुछ सोच लेंगे। बट अभी तो ऐसा था कि अगर आई है तो कर देते हैं इसके लिए, और रहता था बीच में भी रहता था जब मार्क्स अच्छे नहीं आते थे मॉक में और जब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था। बट लकीली आपके क्लासेस से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफी बड़ी मेरी, और आपने एक IPC के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए थे, TPA में भी प्रोवाइड किया था, तो वो भी मैं देखता रहता था आपके क्लासेस के बाद, वो भी देखता रहता था। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जैसे बिल्ड हो जाती है वैसे कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आपको बैरेट की लैंग्वेज पे फोकस करना है। तो ये दो स्टेजेस रहे थे जिसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलता गया तो फिर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता गया, और फिर ऐसा लगा कि नहीं अगर कर रहा हूँ तो फिर करने ही देता हूँ, फिर जो होगा सो। वेरी गुड आदित्य, थ्रू आउट प्रोसेस आपको बस ये था कि मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है बस मैं उसको देखूंगा, बाकी तो बाद में देखेंगे, राइट? जी, द बेस्ट एटीट्यूड हमें कभी, ये बात बिल्कुल सही है कि आप जब भी किसी चीज के लिए आप अपीयर करना चाहते हैं, आपको एग्जाम देना चाहते हैं, तो हमें रिजल्ट का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। पहले तो मैं क्लासेस में बहुत इन लोगों को समझाती भी थी, आप थ्रू आउट लेती रहती हूँ, तो अभी थोड़ा ये जो मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं वो थोड़े मेरे कम हो गए, लेकिन द पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप कोई सी चीज करते हो तो रिजल्ट की नहीं सोचनी चाहिए, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम,
इट्स बेटर टू स्टडी, इट्स बेटर कि हम उस टाइम को यूटिलाइज करके कुछ पढ़ ले, है ना, कुछ गेन कर ले उस टाइम पे, क्योंकि वो तो डर हमको कहीं ना कहीं या तो बुक्स बंद करवा देता है या बुक्स खुलवा देता है, तो वही कुछ भी हो सकता है, है ना. तो ये है. Anybody of you wants to ask anything from Aditya? शर्माओ मत. हेलो, गुड इवनिंग. तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप सच में बहुत हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल है ये जानना कि आपने क्लियर किया. तो बेसिकली मुझे आपसे ये जानना था कि आपको लाइक आपने जैसे प्रैक्टिस किया है पहले, राइट, तो वो आपके लिए कितना हेल्पफुल था, और क्या काम के साथ साथ ये पॉसिबल है कि आप एग्जाम भी क्रैक कर सके, या आपको सिर्फ उसके लिए डेडिकेट होना चाहिए एग्जाम के लिए. जी, इसमें मेरा ओपिनियन आपको लेना चाहिए, बिकॉज मैं गुजरात से हूँ, आप राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट आपको राजस्थान वाले किसी से भी ये सवाल पूछना चाहिए. मेरा रीजन ये रहेगा क्योंकि गुजरात में आप जब इंटरव्यू देखोगे 198 स्टूडेंट्स को बुलाया था और 55 को सिलेक्ट किया है, और तो कहीं ना कहीं आई फील कि प्रैक्टिकल कोर्ट में जाके और रियल लाइफ सिचुएशंस देख के मेरे को थियोरी में हेल्पफुल रहा है. बट मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं राजस्थान से जो गुजरात में अपियर हुए थे, उनसे जब बात हुई तब उनका ये कहना था कि अगर राजस्थान अप्रोच रख रहे हो तो दोनों साथ में मैनेज करना काफी मुश्किल है, और मैं उस बात के एग्री भी करता हूँ क्योंकि मैंने देखा है राजस्थान का कंपटीशन कितना है. कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो गुजरात उत्तराखंड से हूँ, और मैं आगे प्रिपेयर भी उत्तराखंड के लिए ही कर रही हूँ. तो लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ लिटिगेशन का, कि अगर आप दूसरे लाइक माइनर्स में काम कर रहे हो वो भी चलेगा, कि प्योर लिटिगेशन का प्रैक्टिस जो होता है वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है. आप बस कोर्ट जाइए, आप देखिए एक जज कैसे बैठता है, कैसे केसेस उसके बोर्ड में आते हैं, सिविल क्रिमिनल बोर्ड क्या क्या होता है, और आप देखिए कि कैसे एडवोकेट्स प्रेजेंटेशन करते हैं. ये बेसिक नॉलेज है. आप कोर्ट जाइए, उसी हिसाब से सोचिए कि अगर आप फ्यूचर में उस पोजिशन पे रहेंगे तो आपके पास क्या क्या पोजिशन आएंगी, आपका बेंच क्लर्क आपको क्या इंस्ट्रक्शन देता है, आप एडवोकेट से क्या इंस्ट्रक्शन लेते हो, आप अगर एडजर्न नहीं करना चाहते तो आप क्या रीजन देते हो एडवोकेट से, ये सब चीजें आप देखोगे तो आपको थियरी में जो भी दिया हुआ है कि कैसे उसको लिटिगेंट की राइट्स प्रोटेक्ट होनी चाहिए, कैसे उसको बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, ये क्लैरिटी आती जाएगी. नेसेसरी नहीं है कि आप ड्राफ्टिंग में इन्वॉल्व हो, नेसेसरी नहीं है कि आप प्योर लिटिगेशन वर्क करें जहाँ पे सीनियर आप कुछ असाइन कर रहे हो. अगर आप, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करता था, मैं हाई कोर्ट में भी नहीं करता था, मेरा अपियरेंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रहा है, लेबर कोर्ट्स में रहा है, सिविल कोर्ट्स में रहा है, बट प्राइमरीली आपको पता होनी चाहिए कि नो हाउ क्या है कोर्ट्स में. आप एकदम से नए हो, आपको पता नहीं वकालतनामा क्या होता है, वीपी क्या होता है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको इंटरव्यू में नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं, तो वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. आप एक्सपर्ट नहीं होने चाहिए आपकी लिटिगेशन. जी, थैंक यू वेरी मच सर. एनीबॉडी एल्स वांट्स टू आस्क? इन शॉर्ट, अगर आदित्य इसको कंक्लूड करें तो सक्सेस के लिए, इस सक्सेस के लिए क्या चीजों की मेन की पॉइंट्स क्या होने चाहिए, इन शॉर्ट में अगर इन लोगों को आप बता दें? मैम, मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी का एक पॉइंट है जो हर स्टूडेंट को अपनी बनानी चाहिए, अपनी वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करते हुए, और उस स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंट रह के पेशेंस करना रहना चाहिए. जरूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रेटेजी एक बार में सही हो जाएगी, बट जैसे ही आपको पहली गलती पता चलेगी उससे आप बेटर स्ट्रेटेजी फ्रेम कर पाओगे. तो अगर एक आप फर्स्ट टाइम में स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हो तो वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, क्योंकि आप कुछ डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हो. मेरे हिसाब से ये काफी रहेगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग टेन्योर होता है. जैसे आपके कोचिंग में कोई 2 साल से भी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई एक साल से भी प्रिपेयर कर रहा है प्रैक्टिस की, बट मेरा तो ऐसा था कि टाइम ही नहीं था मेरे पास. मैं भी आपसे यही कहता था, मैं आपसे यही कहता रहता था कि इतने कम टाइम में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट यही था कि कोशिश करी, थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाई और आपके मॉक्स दिए. मैं मॉक्स का काफी वापस इंसिस्ट करूंगा कि मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है. नो डाउट आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है कितनी नहीं है, बट मॉक्स सिर्फ आपको प्रिपरेशन के बारे में नहीं बताता, आपको उस सिचुएशन में लेके जाता है, तो वो भी आपको काफी रिलेवेंट होता है, चाहे वो प्रीलिम की मॉक हो, मेंस की मॉक हो या इंटरव्यू मॉक हो, तीनों काफी रिलेवेंट है. मेरे को तो, मैंने तीनों में मैम से बहुत मॉक्स लिए थे. हर वीक पे एक मॉक होती थी मैम की, और मेरे ख्याल से वो काफी बेनिफिट रहा है. शॉर्ट टाइम में
अच्छा करने के लिए। तो इन शॉर्ट मैं अगर आप लोगों को कंक्लूड करूं, इट्स लाइक यू शुड मेक अ स्ट्रेटजी और फिर उसको एग्जामिन करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, उसमें कोई गलती होती है तो उस गलती पर सुधार करना चाहिए, राइट? और पॉजिटिव रहना चाहिए, फालतू सोचना नहीं चाहिए और थोड़ी सी पार्टियां कम करनी चाहिए, थोड़ा सा सर्फिंग जो इंटरनेट पर होता है वो कम करना चाहिए। मैं इन लोगों से भी कहती हूँ कि जो है इफ यू वॉन्ट्स टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, तो जिंदगी का अगर साल डेढ़ साल आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर लोगे तो बहुत बड़ी कीमत नहीं है। जिस तरह यहाँ पर अभी आदित्य बैठा हुआ है, मे भी मैं थोड़े समय बाद किसी और के साथ बैठूंगी यहाँ पर इस तरीके से, मे भी क्या बैठूंगी ही बैठूंगी, आई नो यू पीपल विल गेट थ्रू, आई नो दिस, एंड आई मीन दिस इज अ वेरी प्राउड फीलिंग आदित्य, आपने तो मेरा मेरी नाक आपने ऊंची कर दी। नहीं मैम, आपने भी काफी हेल्प की थी और उस हिसाब से तो होना ही था जिस हिसाब से आपने गाइडेंस दिया था, बट यही था कि रैंक वन का एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट खैर वो तो ब्लेसिंग्स ही है। मैं आपको सच बताऊं, मेरी फीलिंग आई यूज्ड टू थिंक कि हां आदित्य गेट थ्रू कर जाएगा, मैं ये सोचती थी, आई वाज बिट क्वाइट, देखो 100% तो हम किसी को भी नहीं हाँ, करेक्ट, बट ना मुझे थोड़ा सा था कॉन्फिडेंस आपके ऊपर, फिर जब आप फर्स्ट टाइम बोल गए ना वो थोड़ा सा आई एक्सपेक्टिंग दिस, बट इट इज ट्रू एंड you know, I mean, I'm very happy. I'm very, very happy. Thank you so much, Aditya, for this. No, thank you very much. Opportunity for this, you know, session. मुझे पता था कि मैं अपनी लाइफ में सेशन कभी लूंगी, पर मैं इतनी जल्दी ले मुझे नहीं पता था, and thank you so much for this. नहीं नहीं मैम, थैंक यू आपका कि आपने गाइडेंस दिया, आपने मेंटोर किया और गलतियां सुधारी, वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, गलतियां तो हर कोई करता है, सुधारने के बाद उस पे करने के लिए जो मोटिवेशन आपने दिया वो काफी रिलेवेंट रहा, होपफुली आगे भी काम आएगा, नॉट जस्ट क्लियरिंग जुडिशियल सर्विसेज पर आगे जज बन के भी ये नॉलेज काम। अभी तो हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, कीप स्टडीइंग, पढ़ना नहीं छोड़ना है, ठीक है, और बस आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इस देश को सर्व कर सको, दिस इज अ नेशनल सर्विस, आप किसी को जस्टिस दोगे, आपके कुछ वर्ड्स किसी की लाइफ को मैटर करेंगे, and this is a big 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 you know responsibility on your shoulders now, and I know ki aap us cheez ko bahut acche se sambhalenge apni life mein, theek hai, chaliye is session ko main itna hi rakhti hu, theek hai, and all the very best,